बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। आज जिस पीआर पैकेज का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो मुझे अमेरिकन बेरी की तरफ से आया है और इसके साथ ही मैं इसी को लेके एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्रैनबेरीज़ के बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ को और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करता है, एजिंग को कंट्रोल करता है और यूरिनरी ट्रैक को भी प्रोटेक्ट करता है। ये इन्होंने इसके साथ तमाम पंफलेट वगैरह भी भिजवाए हैं जिसमें उनकी बाकी फूड प्रोडक्ट्स की भी रेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं। सो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने मौजूद हैं। हमें 3 बनानास चाहिए, 1.5 कप हमने मिल्क लिया है, 2 टेबल स्पून हमने हनी लिया है और 1/2 कप हमने क्रैनबेरीज ली हैं। क्रैनबेरीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अरोमा और टेस्ट होता है, इस्पेशली केक्स वगैरह में और स्मूदीज़ वगैरह में इसका एक परफेक्ट ब्लेंड और परफेक्ट टेस्ट आता है। सो यहाँ पर मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की है। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे जिसके अंदर हम बनानास को ऐड करेंगे और बनानास ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें जो ड्राइड क्रैनबेरीज अमेरिकन बेरी वालों ने हमें सेंड की हैं वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें जो मिल्क है वो शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें हनी ऐड कर देंगे। हनी का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, इतना ब्लेंड करेंगे कि जो क्रैनबेरीज हैं वो प्रॉपरली इनके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं। तो लीजिए हमारी बनाना क्रैनबेरी स्मूदी जो है वो यहाँ पर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी बाकी आने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।